लास्ट का पहला मुकाबला खेला जाएगा आज का वॉरचेस्टर सिरे और वॉरविक सिरे के बीच में दोस्तों। दोनों टीमों पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे चल रही है, पहले दूसरे नंबर पे अपने ग्रुप में दोस्तों। और ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, हालांकि इस मैच में भी आपको कॉम्पिटिशन थोड़ा सा देखने को मिलेगा दोस्तों। बट दोस्तों जो कि हाईली सिलेक्टेड प्लेयर है, अगर वो आज के मैच में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते या फिर फ्लॉप होते हैं, तो ये मैच दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ ऐसे प्लेयर है जो कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि आपको सिंपल और ईजी वे में आपको बता सकूँ कि कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है। और वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहने वाला है, ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और कम समय में दोस्तों आप बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन ले सको। तो सबसे पहले दोस्तों अपन वेन्यू की बात कर लेते हैं। एडवेस्टन बिर्मिंगम में खेला जाने वाला है, जो कि दोस्तों होम ग्राउंड रहने वाला है वॉरविक सिरे का दोस्तों। यहां पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहती है, स्पिनरों को काफी मदद मिलती है। 175 का दोस्तों औसत स्कोर निकला है। इस वेन्यू पे ऑलरेडी 6 मैचेस हो चुके हैं, यानी कि 12 इनिंग का दोस्तों औसत स्कोर ये निकला है 175 रन का। टोटल 80 विकेट गिरे हैं 12 इनिंगों में, जिसमें 40 विकेट पेसर्स को और 40 विकेट मिले हैं स्पिनरों को। दोस्तों इनिशियल में क्या होता है, इनिशियल के एक दो मैचेस में पेसर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन अब जो मैचेस जा रहे हैं इस वेन्यू पे यूज हो चुकी है विकेट, तो अब यहाँ पर स्पिनरों को काफ़ी टर्न मिल रहा है और स्पिनरों को बहुत ही अच्छे विकेट यहाँ पर मिल रहे हैं। नीचे जब मैं आपको स्कोर कार्ड बताऊंगा तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आप देख लो, 6 जो मैचेस खेले गए हैं, 3 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 3 चेस करने वाली टीम ने विन करा है। सबसे रिसेंट जो मैच खेला गया दोस्तों बिर्मिंगम और यहाँ पर नॉर्थहैम्पटन सिरे के बीच में खेला गया था, लेकिन लो स्कोरिंग मैच ये रहा था दोस्तों। इसमें देखोगे स्पिनरों को 14 विकेट मिले थे और पेसर्स ने यहाँ पर मात्र 5 विकेट निकाले थे। 9 जून 2023 को खेला गया था, रिसेंट मैच है सबसे ज़्यादा दोस्तों, और स्पिनरों को मदद मिलने लग गई है, उसका एग्जाम्पल है ये। इसके पहले देखोगे बिर्मिंगम डर्बी सिरे के बीच में खेला गया था, और यहाँ पर अभी तक जितने भी मैचेस हुए उन सभी मैचेस में दोस्तों आपको बिर्मिंगम टीम कॉमन दिखेगी, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है और इस वेन्यू पे इनके अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं दोस्तों। ये मैच हाई स्कोरिंग रहा था, स्पिनरों को 6 विकेट, पेसर्स को 5 विकेट मिले थे। इसके पहले नॉर्थहैम्पटन सिरे और बिर्मिंगम सिरे के बीच में खेला गया था, ये भी एक हाई स्कोरिंग मैच गया था, जिसमें 200 रन क्रॉस हुए थे दोनों साइड से। पेसर्स ने 8 विकेट, स्पिनरों ने 3 विकेट निकाले थे। इसके पहले लिंका सिरे और बिर्मिंगम सिरे के बीच में खेला गया था, एक लो स्कोरिंग मैच रहा था, स्पिनरों को ही सारे विकेट मिले 13 के 13 विकेट, और पेसर्स ने एक भी विकेट इस वेन्यू पे नहीं निकाला था। और बाकी दोस्तों लास्ट 2 मैचेस देखोगे जो कि सबसे पहले मैच खेले गए थे इस वेन्यू पे, तो इस तरीके से रहा था। और यहाँ पर देखोगे पेसर्स को मदद मिली थी, यानी कि इनिशियल में तो पेसर्स को अच्छा एडवांटेज मिल रहा था, लेकिन अब जो मैचेस जा रहे हैं उसमें स्पिनरों का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इन शॉर्ट में अगर देखा जाए दोस्तों वेन्यू की अपन डिटेल में देखें, तो रन अच्छे बनते हैं, स्पिनरों को ज़्यादा मदद मिल रही है, और स्पिन लेना थोड़ा सा अपने लिए ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये होम ग्राउंड है बिर्मिंगम टीम का दोस्तों। इस वेन्यू पे अगर प्लेयरों के रिकॉर्ड देखोगे दोस्तों, तो वॉरचेस्टर सिरे के प्लेयर्स ने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, सबसे ज़्यादा मैच खेले एड पोलाक ने, लेकिन बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहा है, सो इतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे। बाकी ब्रैडी ओलिवर 12 मैचों में 15 विकेट इस वेन्यू पर निकाल चुके हैं, पैट्रिक ब्राउन के अच्छे रिकॉर्ड है, डिलन पेनिंगटन ने भी 3 मैचों में 5 विकेट इस वेन्यू पर निकाले हैं। वॉरविक सिरे की तरफ से बात करूँ तो इनके होम ग्राउंड है, इनकी तरफ से प्लेयरों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस वेन्यू पर मैचेस खेलने का। यहाँ पर देखोगे दोस्तों एलेक्स डेविस का केवल 19 का औसत रहा है इस वेन्यू पर, और वहीं अपन कंपेयर करें क्रिस बेंजामिन, बैटिंग ऑर्डर नीचे है, लेकिन दोस्तों दोनों के मैचेस और रन कंपेयर कर सकते हो, एवरेज भी आप यहां पर कंपेयर कर सकते हो किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। सो ग्रैंड लीग खेल रहे हो, क्रिस बेंजामिन को ट्राई करना, स्मॉल लीग में सेफर सेट देने के लिए एलेक्स डेविस ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और विकेट कीपिंग दोस्तों एलेक्स डेविस कर रहे हैं, सो स्टंपिंग केजेस के आपको ये एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकते हैं। बाकी यहां पर रॉब येट्स के भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखना। ग्लेन मैक्सवेल को 5 विकेट मिले 8 मैचों में, डैन माउसली के अच्छे रिकॉर्ड है, एड बार्नल्ड के भी ठीक रिकॉर्ड है, इतने कोई खास नहीं है। जेकोब बेथेल बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप जाते हैं, क्रिस बॉक्स, हेनरी ब्रुक्स, डैनी ब्रिक्स और यहाँ पर जेकोब लिंटन, इन चारों बॉलरों के स्वेन्यू पे अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं और इनके होम ग्राउंड है, तो एडवांटेज ये इधर ले सकते हैं दोस्तों। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें दोनों टीमों के बीच में 34 हेड टू हेड हुए, सॉरी 34 तो नहीं, यहाँ पर आप देखोगे 36 हेड टू हेड मैच हुए, जिसमें वॉरविक सिरे ने 20 और वॉरचेस्टर सिरे ने 16 मैचेस विन करे। और पांच मैचेस में देखोगे तो वॉरविक सिरे की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रही है। सबसे रिसेंट जो हेड टू हेड खेला गया था उसमें वॉरविक सिरे ने पहले बैटिंग करते हुए विन करा था, ये इसी साल का हेड टू हेड मैच है। इसमें दोस्तों परफॉर्मर कौन रहे थे, ग्लेन मैक्सवेल थे, डैन माउसली थे, जेकोब बेथेल ने 32 रन बनाए थे और बाकी इन 3 बॉलरों को एक एक विकेट मिले थे। यहाँ से बेंजामिन के 34 थे, एलेक्स डेविस के 28 और रॉब येट्स के भी 27 रन रहे थे लास्ट। और यहाँ से देखोगे तो ब्रैडी ओलिवर ने 50 बनाए थे दोस्तों, उस्मान मीर 32 रन प्लस 3 विकेट निकाले थे, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस मैच में, इस वेन्यू पर भी इनको काफ़ी मदद मिलने वाली है, सो ध्यान रखिएगा। और सेंटनर भी इस वेन्यू पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं दोस्तों। लास्ट सेकंड हेड टू हेड की बात करूं, ये एक हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं बोलूंगा क्योंकि एक ही साइड से रन बने दोस्तों, सामने वाली टीम बुरी तरीके से कॉलेप्स हुई थी, 122 रन से यहां से वॉरविक सिरे ने विन कराया था दोस्तों। डैन माउसली परफॉर्मर रहे थे, डैनी ब्रिक्स चले थे, जेकोब लिंटोट चले थे जो कि दोनों के दोनों स्पिनर है, एडम हाउस के 110 रन रहे थे, तो एडम हाउस को भी ट्राई कर लेना, ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, अच्छे फॉर्म में भी है दोस्तों ये।
वॉरचेस्टर सिरे की सबसे पहले अपन लाइनअप देख लेते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनका जो स्क्वाड है ऑफिशियल स्क्वाड वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पुराने मैच की लाइनअप ही जोड़ रखी है, अब इसमें कुछ चेंजेस होगा तो इसके जो अपडेट रहेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। फिलहाल पुराने प्लेइंग 11 को लेकर अपन अपनी टीम प्रीव्यू देख रहे हैं दोस्तों। ब्रेड डी ओलिवर ओपन कर रहे हैं जेक हाइंस के साथ, मिचेल सेंटनर आ रहे हैं, एदम होस आ रहे हैं, ये चारों के चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट रह रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं और मेन प्लेयरों में आते हैं बैटिंग सेक्शन में इनके। इसके अलावा दोस्तों उस्मान मीर इनके मेन बॉलर हैं, यहाँ पर पैट्रिक ब्राउन इनके बेहतरीन बॉलर हैं और ये दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी है। इन दोनों के आप इस सीरीज़ की परफॉर्मेंस देख सकते हो, पैट्रिक ब्राउन ने 11 मैचों में 21 विकेट, उस्मान मीर ने 7 मैचों में 13 विकेट, डिल्लन पेनिंगटन इस सीरीज़ में इतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे हैं दोस्तों। इसके अलावा बैटिंग में एडम होस, मिस सेंटनर, ब्रैड डी ओलिवर, ये तीनों काफ़ी अच्छे फॉर्म में, और यहाँ पर स्पेशली मिस सेंटनर और ब्रैड डी ओलिवर ये दोनों बैटिंग में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ आपको यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ, इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी पूरी तरीके से कि कौन सा प्लेयर कॉमन पिक है, सेफ प्लेयर है और स्मॉलिंग में आप लेके चल सकते हो। तो ब्रैड डी ओलिवर, मिस सेंटर, एडम होस, उस्मान मीर, पैट्रिक ब्राउन, ये पांच ऐसे प्लेयर है जो कि मान के चलना है स्मॉल लीग में हर किसी के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। जेक हाइंस को हो सकता है कुछ लोगों ड्रॉप कर दें, बट जेक हाइंस भी मेरे हिसाब से एक सेफर कैटेगरी में रहेंगे क्योंकि ओपन कर रहे हैं और अच्छी बैटिंग कर लेते हैं दोस्तों। लास्ट सेकंड मैच में 50+ भी स्कोर करके आ रहे हैं। अब यहाँ पर देख लो डिफरेंशियल प्लेयर कौन कौन से रहेंगे। डिफरेंशियल प्लेयर इन द सेंस थोड़े से इसके रहेंगे लेकिन ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पिक रहते हैं। तो यहां पर दोस्तों पांच ऑप्शन दिखेंगे जो कि डिफरेंशियल है, इनमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो है डिल्लन पेनिंगटन प्लस, क्योंकि ओपन प्लस डेथ की बॉलिंग करेंगे और ओवर भी अच्छे खासे अपने करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से सेफेस्ट पिक है। बाकी दोस्तों ये चारों प्लेयर पर रिस्क लेने का आपको ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी नीचे और इतने अच्छे फॉर्म में भी नहीं है। अगर आप फिर भी चाहो ग्रैंड लीग में तो यहाँ पर काशिफ अली, बैन कॉक्स, एड पोलाक को ट्राई कर सकते हो लेकिन कम टीमों में ट्राई करिएगा, और मैथ्यू वेड दोस्तों ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में रिस्की पिक रहने वाले हैं, ठीक है। टीम में आपको ज़्यादा डिफरेंशियल प्लेयर नहीं दिखेंगे, केवल एकमात्र मुझे ऐसा प्लेयर ये दिखा है डिल्लन पेनिंगटन जिनको आप ग्रैंड लीग में थोड़ा ज़्यादा ट्राई कर सकते हो। वारविक सिरे की तरफ से बात करें, रॉब येट्स हैं, एलेक्स डेविस है दोस्तों, ओपन करते हुए आपको दिखेंगे दोनों के दोनों, क्रिस बेंजामिन है, इसके अलावा ग्लैन मैक्सवेल, डेन माउसली इनके मेन ऑलराउंडर बोल सकते हो जो कि अभी अच्छे खासे ओवर की गेंदबाजी भी कर रहे हैं क्योंकि इस विकेट पर इनको अच्छी मदद भी मिल रही है दोस्तों। एड वार्नल्ड है जो कि बैटिंग बॉलिंग में दोनों में बहुत नीचे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इतना कुछ खास परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्रिस बॉक्स इनके मेन ओपन बॉलर हैं, इनके साथ ओपन करते हैं हेनरी ब्रुक्स, इसके अलावा डेनी ब्रिक्स और जेकोब लिंटोट इनके दोस्तों मेन स्पिन बॉलिंग में आते हैं। तो ओवरऑल टीम के पास दोस्तों 6 बॉलिंग ऑप्शन है, ओवरऑल बोले तो 7 बॉलिंग ऑप्शन है। एड वार्नल्ड से बॉलिंग ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, काफ़ी कम बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन ज़रूरत पड़ती है अगर विकेट मेन बॉलर नहीं निकाल पाते हैं तो इनको ओवर दिए जाते हैं दोस्तों। अदरवाइज इनके पास बॉलिंग ऑप्शन में ये इनके मेन बॉलर रहने वाले हैं, ग्लैन मैक्सवेल, डेन माउसली, वॉक्स, हेनरी ब्रुक्स, डैनी ब्रुक्स और जेक लिंटोट दोस्तों। इन सभी की मैंने इस सीरीज़ की परफॉर्मेंस भी मेंशन कर रखी है ताकि आपको और क्लियर हो सके कि कौन कौन से प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है और कितना इंपॉर्टेंस उनका इस मैच में और इस टीम में रह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। इनकी तरफ से सेफ प्लेयर देख लेते हैं, कॉमन प्लेयर देख लेते हैं और स्मॉल लीग में कौन कौन से प्लेयर ले सकते हैं अपन वो देख लेते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में नो डाउट एलेक्स डेविस रहेंगे, यहाँ पर आप रॉब येट्स या फिर जेक हाइंस में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। जेक हाइंस सामने वाली टीम के, रॉब येट्स आपको इस टीम में देखने को मिलेंगे। ग्लैन मैक्सवेल है दोस्तों जो कि मस्ट स्टेप पिक रहेंगे, डैन माउसली मस्ट स्टेप पिक रहेंगे, डैनी ब्रिक्स को भी स्मॉल लीग में लेकर चल सकते हो और क्रिस बॉक्स को भी स्मॉल लीग में लेकर चल सकते हो। डिफरेंशियल प्लेयर की कैटेगरी में रहेंगे क्रिस बेंजामिन जिनको आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, ओवर दी दोस्तों एलेक्स डेविस। एलेक्स डेविस के ऊपर आप क्रिस बेंजामिन को ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी डिफरेंशियल मूव आपके लिए रहेगा अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो। इसके अलावा दोस्तों हेनरी ब्रुक्स और जेकोब लिंटोट इस टीम में ये दो प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो, इन दोनों पर आज आपको ज़्यादा फोकस करना है और जीएल में आप इनको प्रीफर कर सकते हो। स्पेशली दोस्तों जेकोब लिंटोट इस वेन्यू पर, इस विकेट पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और विकेट लेके जा सकते हैं, साथ ही साथ इनका पर्सनल सिलेक्शन भी बहुत कम है। तो इस टीम से ये दो प्लेयर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आज के मैच में जिनको ग्रैंड लीग में मैं भी ट्राई करूँगा और आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि इनको आप लेके चल सकते हो। और यहाँ से विकेट कीपिंग में अगर आप डिफरेंशियल कुछ करना चाहो तो बेंजामिन को ले सकते हो ओवर दी एलेक्स डेविस। दोस्तों तीन जो मेरी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो जुड़ जाना, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल स्मॉल लीग की टीम देख लो, स्मॉल लीग की क्या टीम बना सकते हैं। स्मॉल लीग की टीम ऐसी बताऊंगा दोस्तों कि आप अदर प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हो, विजन 11 या फिर आप कहीं और भी खेलते हो तो वहाँ पर आप इजीली इस टीम को लगा सकते हो। सबसे पहले दोस्तों अगर अपन स्मॉल लीग में देखा जाए, तीन विकेट कीपर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें सबसे सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्शन एलेक्स डेविस रहने वाले हैं। बट अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो यहाँ पर क्रिस बेंजामिन डिफरेंशियल रहेंगे और बैन कॉक्स को आप ट्राई कर सकते हो। बट स्मॉल लीग पॉइंट ऑफ व्यू से एलेक्स डेविस विल बी द बेस्ट
विकेट कीपर ऑप्शन इन दिस मैच। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में अगर अपन आए, एडम हॉस एकदम सेफेस्ट है यहाँ पर दोस्तों। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे आपसे ऑप्शन नहीं दिखेंगे, तो फिलहाल मैं सेफर साइड जाऊँगा और यहाँ पर जैक हाइंस और रॉब येट्स को प्रीफर करूँगा स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये टीम दोस्तों ध्यान रखना, ऐसी बता रहा हूँ कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगा सको तो तीन विकेट तीन बैट्समैन आपको लेना कंपलसरी रहेंगे, तो इसलिए इन दोनों को भी मैं प्रीफर कर रहा हूँ। ठीक है, बट अगर आप ड्रीम इलेवन में खेलते हो स्मॉल लीग, तो ये दोनों को आप चाहो तो ड्रॉप करके विकेट ऑलराउंडर सेक्शन या फिर बॉलिंग सेक्शन में से प्लेयर्स बढ़ा सकते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इन तीनों प्लेयरों का अगर आप सिलेक्शन देखोगे तो बहुत कम है, और ये तीनों की तीनों को आप ग्रैंड लीग में कुछ टीमों में ट्राई कर सकते हो दोस्तों। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाएं, क्लेन मैक्सवेल, ब्रैडी ओलिवर ये दोनों मस्ट है, टेन माउसली और मिच स्नेंटर, ये चारों के चारों मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है और ये चारों के चारों मस्ट है रहेंगे स्मॉल लीग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो। अब ड्रीम इलेवन में खेल रहे हो तो क्रिस बॉक्स को भी आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो, पांच विकेट कीपर को भी ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ट्राई कर सकते हो। बी आर्नोल्ड और मैथ्यू वेट इनको कुछ टीमों में ट्राई करना, ग्रैंड लीग में ज़्यादा टीमों में प्रीफर मत करिएगा। बॉलिंग सेक्शन में अगर अपन आ जाएँ, पैट्रिक ब्राउन रहेंगे, उस्मान मिल रहेंगे, दोनों के दोनों मस्ट पिक रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वेन्यू को देखा जाए तो यहाँ पर स्पिनरों को काफ़ी मदद मिलेगी, तो यहाँ पर आप जैकोब लिंटोट को ट्राई कर सकते हो, और हेनरी ब्रुक्स ओपन प्लस डेथ का एडवांटेज देते हैं तो इनको लेना चाहो तो ले सकते हो। बट अगर आप सेफर साइड जाना चाहो तो यहाँ पर डैनी ब्रिक्स हैं जो कि अभी तक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मैं सेफर साइड जाऊँगा, डैनी ब्रिक्स को ही प्रीफर करूँगा। ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से हैरी ब्रुक्स, जैकोब लिंटोट, डैनी डिल्लन पेनिंगटन ये तीनों की दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो दोस्तों। तो टीम का प्रीव्यू देखोगे, ये मेरी स्मॉल लीग का टीम प्रीव्यू बन रहा है, कैप्टन वाइस कैप्टन में थोड़ा सा आप पे छोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से प्रीफर कर सकते हो। बट अगर वेन्यू को देखा जाए तो स्पिनरों को मदद दे तो यहाँ पर मिस सेंटर डैन ब्राउसली ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा है दोस्तों। बट अगर बैटिंग भी देखी जाए तो ब्रैडी ओलिवर ओपन कर रहे हैं और अभी तक कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी बैटिंग करते आ रहे हैं, तो ये तीन ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी मैक्सवेल को भी आप कैप बाइस के रूप में ट्राई कर सकते हो, बट ये इतने अभी अच्छे टच में नहीं दिख रहे, ना ही बैटिंग और ना ही बॉलिंग में, तो ये ऑलराउंडर में से कैप्टन वाइस कैप्टन प्रीफर करिएगा, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। और ग्रैंड लीग खेल रहा हो तो ग्रैंड लीग में दोस्तों पैट्रिक ब्राउन अच्छे ऑप्शन है, उस्मान भी अच्छे ऑप्शन है, डैनी ब्रिक्स भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग में कैप्टेंसी के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए करें।